हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नियर मनी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो सारी वीडियो देखनी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो सर्च बॉक्स में भी आप उस वीडियो को लिखें, पीछे मेरा नाम लिखें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी जो वीडियो आप देखना चाहते हैं। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम बात करें नियर मनी की तो सबसे पहले हम समझते हैं मनी क्या होती है। देखिए, आपने जब एक मनी देखी होगी, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज का नोट देखा होगा, 500 का नोट देखा होगा, उस सब की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है उस 500 रुपीज के नोट की? वो ये होती है कि आप उसे जब चाहे तब खर्च कर सकते हो, जहां चाहे तब खर्च कर सकते हो। यानी कि उसमें लिक्विडिटी जो होती है वो 100% होती है। यानी कि जो आपके पास पैसा है उसे जब चाहे तब जिस चीज पे चाहे आप खर्च कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ये 500 का नोट है, ये 500 का नोट है, मुझे इच्छा है जूस पीने की, तो मैं जाकर जूस की दुकान पे ये 500 देके जूस पी सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लिक्विडिटी है। लेकिन इस 500 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? वो ये है कि आज से 5 साल बाद भी ये नोट 500 रुपए का ही रहेगा। मान लीजिए मैं इसको फोल्ड करके जेब में रखता हूं और इस जेब इस शर्ट को मैं किसी बॉक्स में बंद कर देता हूं, और 5 साल बाद अगर मैं शर्ट को निकालता हूं तो ये नोट 500 रुपए का ही रहेगा, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। यानी कि मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जीरो होती है। लिक्विडिटी 100% है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 0% है। अगर मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीद लेते हैं, कोई मकान खरीद लेते हैं, इन सब में जो लिक्विडिटी होती है वो 0% होती है। यानी कि आप उसे जब चाहे तब नहीं सेल कर सकते, उसमें आपको वेटिंग कॉस्ट आएगी, सर्चिंग कॉस्ट आनी देखनी पड़ेगी, कन्वीनियंट आपको नहीं होगा कई बार उसको बेचना, हो सकता है कि आपको आपका मकान बेचने के लिए प्रॉपर कस्टमर ना मिले, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन उसके अंदर लिक्विडिटी जीरो है। यानी कि मनी में, यानी कि जो करेंसी नोट है और जो कॉइन है उसमें लिक्विडिटी कितनी है? लिक्विडिटी है उसमें 100%, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 0% है। वहीं अगर आप मकान लेते हो तो मकान में लिक्विडिटी 0% है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें हाई। अब हम बात करते हैं नियर मनी। नियर मनी जो है वो इन दोनों के बीच का रास्ता है, यानी कि जिसमें लिक्विडिटी का कुछ सेक्रीफाइस किया जाएगा और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मिलेगी। यानी कि ये जो नियर मनी है, ना तो ये 100% लिक्विड होती है, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा पैसा है जो मेरे पास कैश है, तो मैं उसको जहां चाहे तब कन्वीनियंट से खर्च कर सकता हूं। नियर मनी में वो फाइनेंशियल असेट्स आती हैं जो इजीली मनी में कन्वर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट भी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट भी देती हैं। यानी कि नियर मनी इज द टर्म यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब हाईली लिक्विड असेट्स। यानी कि लिक्विड असेट्स तो होती हैं, लेकिन लिक्विड असेट्स के साथ साथ विच आर नॉट कैश, जो कैश नहीं होती बट कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इन टू दी कैश, यानी कि इनको इजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि ये डायरेक्ट कैश तो नहीं होती है लेकिन इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विडिटी भी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, यानी कि 100% लिक्विड तो नहीं होती है लेकिन हाई लिक्विड होते हैं, और साथ में कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो चेक, आप मान लीजिए चेक इश्यू करते हैं उसके लिए, डिमांड चेक इश्यू करते हैं उसके लिए, तो वो चेक हर कोई तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, यानी कि वही तो एक्सेप्ट करेगा जिसके पास में बैंक अकाउंट होगा। यानी कि आप चेक से जाकर जूस पी नहीं सकते, वो मनी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले एटीएम से पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आपको 3% इंटरेस्ट या 4% इंटरेस्ट मिलता है जो कि आपको कैश में रखने से नहीं मिलता। यानी कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो नियर मनी की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको कुछ लिक्विडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि आपको इनकन्वीनियंट होगी पैसे निकालने में, लेकिन आपको 4% करीब इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो
100% नहीं होती, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ ना कुछ इसमें होती है। इसी तरीके से आपका कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में है। अब सेविंग अकाउंट का पैसा तो आप चेक से निकाल सकते हैं या एटीएम से निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के लिए तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट में जो आपका पैसा है उसे आप एक दिन में या कुछ घंटों में कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो कैश तो नहीं है। यानी कि लिक्विडिटी का सेक्रीफाइस तो आपने किया ही है। तो ये जो पैसा आपका एफडी में है उसमें आपको लिक्विडिटी का कुछ सेक्रीफाइस करेगा, और इसमें लगभग 6 to 8% करीब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। ये वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग, कितना टाइम आप डिपॉजिट कर रहे हो इन सब पे भी। अगर आप उससे पहले भी पैसा निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जो टाइम किया उससे पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लॉस होगा, जो कि इंटरेस्ट का लॉस होगा। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मिल ही जाएगा। इसी तरीके से एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको पता होगा क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति गुड्स देता है और दूसरा व्यक्ति ये प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स के लिए पैसे आपको दे देगा एक टाइम पीरियड में, मान लीजिए 3 महीने बाद। अब एक को अगर पहले जरूरत पड़ गई तो वो मनी मार्केट में जाकर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल भी कर सकता है और उसके बदले कुछ पैसा भी ले सकता है। तो इस तरीके से ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी लिक्विड असेट्स है। ट्रेजरी बिल, ये टी बिल भी बोलते हैं इसको। ये 90 डेज का भी होता है, 180 डेज का भी होता है। टी बिल क्या होता है, ये नॉर्मली जो इश्यू करती है गवर्नमेंट इश्यू करती है नॉर्मली। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने ट्रेजरी बिल लिया 50,000 का, तो ये डिस्काउंट पे मिलता है नॉर्मली। यानी कि 40,000 पे आपने ट्रेजरी बिल लिया, जो कि आपको 2 साल बाद आपको 50,000 मिलेगा। अब हो सकता है कि आपको 2 महीने बाद ही पैसे की जरूरत मिल गई पड़ गई, तो इसको भी आप मनी मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। मनी मार्केट मतलब बैंक में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इनको खरीदते हैं, और आप उनसे 2 महीने बाद इसको ट्रेजरी बिल को बेचकर पैसा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सारे जो तरीके मैं बता रहा हूं ये हार्ड कैश नहीं है, ये मार्केट में नहीं दिखते, लेकिन मनी मार्केट में इनको आप बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इनको कहा गया है नियर मनी। इसी तरीके से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू करती है और प्राइवेट फर्म भी इशू करती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होती है कई तरीके की। ये सब भी लिक्विड असेट्स है, क्योंकि अगर आप इनको मार्केट में सेल करते हो तो इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से शेयर एंड म्यूचुअल फंड, तो शेयर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कंपनी के शेयर इशू होते हैं, और म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का तरीका है। अब मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं ब्रोकर जो भी है या जो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको बोलूंगा भाई मुझे पैसे की जरूरत है, आप मेरे म्यूचुअल फंड को कैश में कन्वर्ट करो, तो एक दिन 2 दिन में आपको ये पैसा मिल जाएगा। यानी कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन लिक्विडिटी 100% नहीं रहेगी। इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिस पर आपको लोन मिल जाता है। आप बैंक के पास जाओ, बैंक से आप कहोगे भाई आपको पैसा चाहिए, तो उसको कई बार कई जगह कई बैंक तो उसको अपने पास रखकर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे देंगी। यानी कि आपको पैसा एक तरीके से मिल जाएगा। या कई तरीके की इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी भी होती है जो कि प्री मेच्योर कर देती है। यानी कि आपने 25 साल के लिए कोई इंश्योरेंस लिया है, आपने 5 साल तक ही भरा, उसके बाद वो आपको कैश दे देंगी, हालांकि आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि आपको 25 साल बाद मिलता। यानी कि इन सभी केसेस में आप देख पा रहे हैं कि मनी तो ये नहीं है, ये कोई भी मनी नहीं है इनमें से, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करती है, डायरेक्ट आपको एक्सचेंज का काम नहीं करती है। यानी कि डायरेक्ट आपके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं करती है, लेकिन ये सारी की सारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है बहुत जल्दी से, इसलिए इन सबको हमने नियर मनी कहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।